हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सम टेराकोटा पॉट पेंटिंग आइडियाज़, और इसके साथ हम बनाएंगे मैक्रमे प्लांट हैंगर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमने ये स्क्वायर टेराकोटा पॉट लिया है, और इसे पेंट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं चॉक पेंट। अगर आपके पास चॉक पेंट नहीं है तो आप एक्रेलिक पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं कुछ सर्कल्स। इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, आप रैंडमली सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं अपने चॉइस के कलर से। मैं यहाँ पर कलर के पेस्टल शेड्स ही यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो डार्क शेड्स भी यूज़ कर सकते हो। और ये जो स्क्वायर पॉट है ये मैंने लिया था एक रोड साइड टेराकोटा शॉप से ड्यूरिंग आवर कुर्ग विजिट, बट आपको कहीं पे भी जहाँ भी टेराकोटा शॉप हो आप सर्च कर सकते हैं। स्क्वायर नहीं तो राउंड वाला तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और बेस पेंट ड्राई होने के बाद हमें लेना है ब्लैक कलर, जो भी चॉक पेंट हो, एक्रेलिक कलर हो, आप यूज़ कर सकते हैं। और हमने रैंडमली कुछ लीफ डिज़ाइन बना लिया है। ये जो पेंटिंग टेक्निक है आजकल बहुत ट्रेंड में है इस तरह का पेंटिंग, और इसे बनाना भी काफ़ी आसान है, तो आप इजीली ट्राई कर सकते हैं। और हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं एक बटरफ्लाई, विच इज़ एक्चुअली वेरी इजी टू ड्रॉ, साथ में कुछ और लीफ डिज़ाइन। मैं यहाँ पर जीरो नंबर ब्रश की हेल्प से ये डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ। अगर आप ब्रश के साथ में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप किसी भी तरह का ब्लैक मार्कर या फिर पेन से भी इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। एंड वी आर डन, ये हमारा फर्स्ट रेडी है। और मेरे पास ऐसे दो पॉट थे तो दोनों को मैंने सेम तरीके से पेंट कर लिया है, और साथ में हमने इसमें प्लांट भी लगा लिया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट हमने एक टेराकोटा प्लेट लिया है जो मैंने बैंगलोर के एक टेराकोटा रोड साइड शॉप से परचेस किया था। और इसके बेस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वाइट चॉक पेंट। वाइट चॉक पेंट से मैंने पूरा इसे कवर कर लिया है, और उसके बाद आप अपने चॉइस के कलर्स लेकर कुछ रैंडम शेप इस तरह से हम इसके ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। मैंने यहाँ पर डार्क शेड्स के कलर यूज़ किए हैं। सेम चॉक पेंट में मैंने थोड़ा एक्रेलिक कलर मिक्स करके इस तरह का सेट क्रिएट किया है। ओके, सो आवर बेस इज़ कम्प्लीटली ड्राई। अब हम इसके ऊपर सिमिलर वे में कुछ लीफ एंड अदर डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये जो पेंटिंग टेक्निक है इसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे ट्राई कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर फॉलोअर हैं तो आपको याद होगा कि हमने एक टेबल, पुराना टेबल था, उसको भी हमने सिमिलर वे में पेंट किया था। और बाहर भी हमने कुछ लीफ डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है। एंड इट्स रेडी। तो हमारा जो प्लेट एंड पॉट है वो दोनों रेडी है, और अब हम बनाएंगे ये मैक्रमे प्लांट हैंगर। सो इसके लिए हमने मैक्रमे कॉर्ड लिया है, कॉर्ड हमारा 3 mm का है, और इसके साथ हमने लिया है मेजरिंग टेप एंड सीजर। सो फर्स्ट हमें 8 कॉर्ड्स लेने हैं 4 meters ईच। तो टेप से मेज़र करके आप 4 meters का टोटल
8 कॉर्ड ले लें। सो टोटल हमने 8 कॉर्ड ले लिए हैं यहाँ पर, और इसके बाद हमें 1 मीटर के 3 कॉर्ड लेने हैं। We will take 3 chords of 1 meter. Okay, so अब जो हमारे 8 chords हैं उन सबको हम एक साथ पकड़ कर और middle से हम इसे fold कर लेंगे, और इस तरह से रख कर जो हमारा 1 meter वाला chord है उसकी help से हम यहाँ पर इस तरह से knot लगा लेंगे। ओके, सो अब इसे कुछ इस तरह से प्लेस करके और नीचे की तरफ से दोनों साइड से हम एक कॉर्ड अलग कर लेंगे और हम बनाएंगे टोटल 10 स्क्वायर नॉट। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मैक्रमे वर्क देख रहे हैं और आपको पता नहीं है स्क्वायर नॉट कैसा होता है, तो आप इसे ध्यान से वीडियो में देखें, आपको समझ में आएगा कि आपको स्क्वायर नॉट कैसे लगाना है। तो नेक्स्ट हम इसे इस तरह से पकड़कर और मिडिल से फोल्ड कर लेंगे सारे को एक साथ रखकर। जो एक 1 मीटर का कॉर्ड है उसे लेंगे और उसकी हेल्प से हम यहाँ पर गैदरिंग नॉट लगाएंगे। तो इसे जो नीचे हमने एक्स्ट्रा थ्रेड छोड़ा था उसमें से थ्रेड को निकाल कर और ऊपर से खींच लेना है। तो इस तरह से हमारा नॉट सिक्योर हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा है उसे कट करके हटा लेंगे। और जो स्टार्टिंग में हमने 1 मीटर कॉर्ड लगाया था ये वो वाला है, उसे भी हम हटा देंगे। तो अब हमारे पास है टोटल 16 पीसेस और हमें इसे 4 ग्रुप में डिवाइड कर लेना है। हर ग्रुप में हमारे 4 स्ट्रिंग्स आएंगे और एक ग्रुप के साथ में हमें 25 स्पाइरल नॉट लगाना है। स्क्वायर नॉट जो था उसमें हम दोनों साइड से नॉट लगा रहे थे, और जो स्पाइरल नॉट होता है उसमें हमें सिर्फ एक साइड से नॉट लगाना होता है। तो इस तरह से स्पाइरल इफेक्ट आता है। उसके बाद हमें 5 सेंटीमीटर स्पेस छोड़कर अगेन हम 25 स्पाइरल नॉट लगाएंगे। और ऐसा हमें जो हमारा चारों ग्रुप है सभी के साथ में कर लेना है। तो टोटल हमने 3 टाइम्स ऐसे स्पाइरल नॉट क्रिएट किया है, और लास्ट में हमने 10 सेंटीमीटर स्पेस छोड़ा है, और उसके बाद 2 स्क्वायर नॉट हमें लगाना है। एक हमें जो 2 स्ट्रिंग हमें लेफ्ट साइड से लेने हैं और 2 स्ट्रिंग हमें राइट साइड से लेना है, और एक दूसरे के सामने हमें इस तरह से 2 स्क्वायर नॉट लगाने हैं। इस तरह से और सेम प्रोसेस को हम 2 बार और रिपीट करेंगे, और उसके बाद जो हमारा प्लेट है उसे रखकर मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये परफेक्ट फिट आ रहा है कि नहीं। आप जिस तरह का पॉट रखने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग लास्ट वाला नॉट लगाएं। अगेन हमने हमारा 1 मीटर वाला कॉर्ड लिया है और उसकी हेल्प से हम एक बार फिर गैदरिंग नॉट लगाएंगे जो हमने ऊपर लगाया था। तो इस तरह से नीचे वाला लूप में थ्रेड को डालकर और ऊपर से खींच कर हम इसे सिक्योर कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे, और नीचे भी थोड़ा कॉर्ड छोड़कर हमने इस तरह से कट कर लिया है, और हमारा मैक्रमे प्लांट हैंगर रेडी है। सो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो, और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।